हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप डाउनलोड कर लेना, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सही से देख लेना। एंड बिटमार्क को ओपन कर लेना। यहाँ पे दो फॉन्ट है जो कि मैं आपको मटेरियल्स वाले लिंक में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो पहला फॉन्ट है चिकी रैबिट एंड जो दूसरा फॉन्ट है वो iOS। तो ये दोनों फॉन्ट आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में मटेरियल्स वाले लिंक में, तो आप लोग चेक कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसको इम्पोर्ट कर लेना फोन को। फिर आपको यहाँ पे 11:24 पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो फोल्डर में आपका फोटो, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फोटो एड करना है। ऊपर से डॉट पर क्लिक करके फिल कम्पोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और फिर इस वाले एरो पे क्लिक करना है और फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको सही फोटोज़ को ऐड करते रहना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो ऐड करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, यही प्रोसेस है हमारा फोटो ऐड करने का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट जितना ही फोटो ऐड होगा ना, आपको सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सही फोटो को मैंने ऐड कर लिया। इसी प्रकार से आपको सही फोटो को ऐड कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ से बैक आना है। ओके, यहाँ से बैक आने के बाद सेकंड प्रीसेट को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे पहले वाला जो मतलब है ना फोटो, इस पर क्लिक करके फैड पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी फैड करना है और यहाँ से बैक आना है। बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, स्लाइड करके आगे जाना है। और आगे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला फोटो है ना 11 सेकंड पे, इसमें आपको 12 सेकंड में इसमें आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, सो इसके बाद जो फोटो है इसमें भी आपको पेस्ट करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो फोटो सिंगल बिट मार्क है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सिंगल बिट मार्क है, इसके नीचे जो फोटो आ रहा है इसमें आपको इफेक्ट पेस्ट करना है। और ये जो डबल बिट मार्क है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला, तो इसके नीचे जो फोटो आ रहा है इसमें आपको इफेक्ट को पेस्ट नहीं करना है। ओके, ये वाला फोटो है 13 सेकंड पे। तो इसी प्रकार से बस आपको यही देखना है कि कहाँ पे सिंगल बिट मार्क वाला फोटो है, तो वहाँ पे आपको सिंपली इफेक्ट को पेस्ट कर देना है और जो फोटो डबल बिट मार्क वाला है उसको छोड़ देना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो दो फोटो एक साथ सिंगल बिट मार्क वाला होगा और एक फोटो डबल बिट मार्क वाला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इसी प्रकार से तो एक साथ दो फोटो होगा सिंगल बिट मार्क वाला, तो लगातार दो दो फोटो में पेस्ट करना है और एक फोटो को छोड़ देना है इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको पेस्ट करना है, तो लास्ट तक आपको सही फोटोज में पेस्ट कर देना है। और ध्यान देना कि डबल बिट वाला फोटो जो रहेगा वो आपको स्किप करना है, उसमें आपको इफेक्ट पेस्ट नहीं करना है। ओके, सो गाइस, फिर यहाँ से आपको बैक आना है और सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करना है और जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, स्लाइड करके आगे जाना है। अब जो बचा हुआ फोटो यानी कि जो डबल बिटमार्क वाला फोटो है, उन सही फोटोज में आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो एक एक करके जितना ही फोटो बचा हुआ है सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। ओके, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे लास्ट आप जितना ही फोटो बचा हुआ है सभी फोटोज़ में आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो मैंने सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर दिया है, जो फोटो डबल इट मार के बाद आ रहा था उसमें भी। तो उसके बाद यहाँ से बैक आना है, सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, कॉपी टू लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, इस डबल आइकन पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है एंड सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है यहाँ पे और लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से एंड ओके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इसे इसका जो लेंथ है लास्ट तक आ जाएगा। तो गाइस, फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।